कितना बचा लेगा वो, और हर साल 2-3 हजार रुपए बढ़ेगा। जब रिटायरमेंट में पहुंचेगा तो 60-70-80 हजार 1 लाख रुपए के इनकम में पहुंचेगा, तब महंगाई कहां रहेगा? पूरा जिंदगी नौकरी करके एक घर नहीं बना पाएगा वो, एक गाड़ी नहीं ले पाएगा वो। कितने लोग जो पूरे जिंदगी नौकरी करके कार ले पाते हैं, अगर कार ले भी लिए तो पहुंचते जाता और चलाते कम है, चला नहीं पाते वो। संडे के दिन निकलते
फैमिली था, मेरे पास दोस्त थे, मेरे पास नौकरी था, लेकिन मैंने प्रायोरिटी सेट किया कि मुझे आईबीसी में कामयाब होना है। आप अपना प्रायोरिटी क्यों नहीं सेट करते? मैंने आईबीसी में जब मैं आया और मुझे जब कॉन्फिडेंस आया तो मैंने कसम खाया कि जब तक आईबीसी में मैं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन जाता तब तक हर वो काम मैं नहीं करूंगा जिसको करने से मुझे पैसा नहीं आता है। मैंने ये कसम खाई कि जब तक मैं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन जाता तब तक मैं हर वो काम नहीं करूंगा जिसको करने से मुझे पैसा नहीं आता। पेपर पढ़ने से पैसा नहीं आता मैंने छोड़ दिया, टीवी देखने से पैसा नहीं आता मैंने विचार करना बंद कर दिया, किसी के शादी में जाने से पैसा नहीं आता मैं सारे रिश्तेदार को छोड़ दिया, मम्मी को भेज देता था, वाइफ को भेज देता था, भाई को भेज देता था, लेकिन मैं अपना एक दिन बर्बाद नहीं करता था, उस दिन जाके मैं मीटिंग करता था। किसी के बर्थडे में जाने से पैसा नहीं आता मैं बर्थडे में जाना छोड़ दिया, किसी के मरने पे पैसा, एक बार बताइए कि आदमी मर गया मैं नहीं जाऊंगा तो अंतिम संस्कार होगा कि नहीं होगा, किसी के शादी में संजय साहू नहीं जाएगा तो फेरा लगेगा कि नहीं लगेगा। और हम सोचते हैं मेरा दोस्त क्या सोचेगा, अरे भैया जिस दिन आपका जितनी दोस्त का शादी है उस दिन आपको 104 डिग्री बुखार लगा हुआ, आप जाएंगे नहीं जाएंगे? तब आप नहीं जाते हैं। और ऐसे समय जहां पैसा कमाने की बात होती है तो शादी में जाना दोस्त का अनाज हो जाएगा। अरे उसी दोस्त को आप फोन करते हैं कि घर में ये सिचुएशन है 20,000 का जरूरत है, बोलता नहीं यार कल क्यों नहीं फोन किया, मेरे पास था मैं फलाने फलाने को दे दिया, कल फोन करता मैं पक्का तुमको देता। किस चीज का दोस्त, किस चीज का दोस्त? लाइफ में दोस्त आगे बढ़ना है तो लाइफ में प्रायोरिटी सेट करिए कि आपको जिंदगी में आज सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। अगर आज सबसे ज्यादा आपको पैसे की जरूरत है तो पैसा वाइट से बिजनेस देगा। और दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना है जिसमें बिना पूंजी लगा के आप करोड़पति बन सकते हैं, कोई सिस्टम नहीं बना है। यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल अभी वहां भी इधर खड़ा होकर बता रहे थे, मेरे आंख से आंसू आने वाले थे इनकी बातों को सुन के, क्या स्थिति परिस्थिति था महावीर जी का, फादर नहीं है, ब्रदर नहीं है, घर में सारी महिलाएं हैं, घर का सिचुएशन खराब है, आईसी बिजनेस में काम करना पैसा नहीं है, और उस विपरीत परिस्थिति से एक आदमी जूझते हुए यहाँ पे आके आज स्टेज में क्या मान सम्मान मिल रहा है, क्या आज उनका लाइफ स्टाइल है, आज पूरा फैमिली इधर आके देखिए सबके आंखों में इधर नरम था। अरे वो ट्रेडिशनल सिस्टम में जाके महीने का 1 करोड़ रुपया भी कमाते क्या ये मान सम्मान मिलता, मिलता क्या? नहीं मिलता। इधर एक सेट मारवाड़ी होंगे, एक सेट बिजनेसमैन होंगे, एक सेट साहूकार होंगे जो लाखों करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं, कितने लोग जानते हैं उनको, कितने लोग उनके जैसा बनना चाह रहे हैं, कितने लोगों को अपने जैसा बना रहे हैं, नहीं बनाते रहे। यह सबसे ज्यादा खुशी होता है खुद के कामयाब होने से नहीं, जब टीम का कोई बंदा चेयरमैन बनता है, टीम का बंदा कोई रूगी बनता है, टीम का बंदा कोई सिल्वर बनता है, टीम के कोई बंदा को कार आता है, बाइक आता है, कोई टीम के बंदा कोई टूर अचीव करता है, तब सबसे ज्यादा खुशी होती है, सबसे ज्यादा खुशी होती है। जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आईसी बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप अपने साथ लोगों की जिंदगी बदलते हैं, लोगों की जिंदगी। अरे वो जिंदगी क्या जिंदगी है जो अपने लिए आप जीते हैं, मजा उसमें जो आप औरों के लिए जीते हैं, औरों को कामयाब बनाने के लिए जीते हैं। आज बिल गेट्स पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर, आपको पता है 90% अपना पैसा दान कर चुका है वो आदमी। उसका स्टेटमेंट है वो अपने बच्चों के लिए